वीर स्वामी की नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो जय जिनेन्द्र। मैं हूं तपेश जैन और हम लोग यहां दादा बाड़ी में हैं। अभी आप जानते हैं कि दिवाली का अवसर होता है, दिवाली के साथ में ही भगवान महावीर स्वामी के निर्माण की भी तिथि है और इसीलिए ऋषभदेव ट्रस्ट और चातुर्मास समिति ने मिलकर एक अच्छा आयोजन किया है कि घर घर में जो महिलाएं हैं, जो जो आर्टिस्ट हैं, उनकी रंगोली और गहुली दोनों का आयोजन यहाँ पर दादा बाड़ी में किया। 28 से 30 रंगोलियां हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट मेरे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके का अनुभव हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुष्मिता सिंघवी। श्वेता पारक। क्या कहेंगी श्वेता जी? यहाँ पर परम पूज्य ललित प्रभ जी महाराज साहब के सानिध्य में श्रीमती कुसुम जी श्रीश्रीमाल ने हमको बुलाया अपना टैलेंट दिखाने के लिए। रंगोत्सव इवेंट के थ्रू हम लोग सब ने अपनी अपनी रंगोली प्रस्तुत की। उनको हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या झापक है। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम खुशी कोठारी है। मेरा नाम ट्विंकल बैद। मेरा नाम स्वर्णा लूनिया। सुषमा हिड़िया। नेहा श्रीश्रीमाल। कुछ कहोगी नेहा? नहीं, ये हम जो भी घर पे आर्टिस्ट थे, हमारी कला को उभारने के लिए जो महाराजा ने इतना बड़ा हमको प्लेटफॉर्म दिया है, अदर एक्टिविटी हमको निखारने का मौका ही नहीं मिल पाता था, इसलिए कुसुम आंटी महाराजा ऋषभदेव मंडल को धन्यवाद कहना चाहूँगी। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम स्नेहा बरदिया है। कुछ कहना चाहेंगे स्नेहा जी? सबसे पहले तो परम पिता परमात्मा के चरणों में वंदन, दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन, और ललित प्रभ सागर जी और शांति प्रिय जी महाराज साहब ने जो हमको मौका दिया कि हम जो छोटी सी कला हमारी घर में दिखाते थे, आज हम उसको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो कर पाए हैं, वो सब उनके आशीर्वाद से हुआ है। उसके लिए उनका, प्लस हमारे मैनेजमेंट जो पूरा संभाले है, श्री कुसुम जी, श्री शोभा जी, पूजा जी और मेरे साथ के सारे आर्टिस्ट जो है, इन सब का बहुत बहुत आभार, साधुवाद। मैं पुष्पा कोठारी। जय जिनेन्द्र। मैं वर्षा बापना। जय जिनेन्द्र। राशि कानूबा। जय जिनेन्द्र। मैं श्रीमती पूजा बैद, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। क्या कहेंगी पूजा जी? सबसे पहले मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक, राग देश के विजेता, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा शश्वत वंदन, अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी के चरणों में मेरी वंदना, चारों दादा गुरुदेव के चरणों में मेरी वंदन। यहाँ दादा गाड़ी के प्रांगण में और परम पूज्य गुरुदेव राष्ट्र ललित प्रभ और शांति प्रिय जी की निष्ठा में हमें अपनी कला निखारने का, अपना आर्ट दिखाने का अवसर मिला और हम अपनी कला से जिन शासन का मान रख रहे हैं, और शोभा भाभी, कुसुम भाभी और पूजा भाभी ने हमें बहुत ध्यान रखा, हमारी एक एक चीज जरूरतों का ध्यान रखा, और उनका भी आभार बहुत आभार करती हूँ। बहुत अच्छी है, देख रहे कि माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती है, इसके साथ में सारी चीज़ें हैं। हमारे साथ में श्रीमती कुसुम श्रीमाल जी हैं, बहुत ही समाज सेवी हैं, लगातार काम करती रहती हैं। कुसुम भाभी क्या कहेंगी? बीतराग प्रभु के चरणों में शश्वत नमन, चारों दादा गुरुदेव के चरणों में शश्वत नमन, परम पूज्य ललित प्रभ सागर जी एवं डॉक्टर शांति मुनि जी के सानिध्य में आज हम लोग ने एक बहुत बड़ा रंगोत्सव, दीपोत्सव भी बोलो आप, रंगोत्सव भी बोलो, उसका आयोजन किया है दिवाली के समय में। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे दादा, देखिए दीदी, दादा कुशल गुरुदेव का आज यहाँ पर बनाया है, और यही गुरुदेव इस प्रांगण में विराजमान है, और बहुत सुंदर हमारे ये रंगोली सुषमा गिड़िया ने बनाई है। कितनी रंगोलियां बनी हैं टोटल? यहाँ पर टोटल 27-28 रंगोली बन रही है, एक दो अभी बनी जरी है, जीव दया के ऊपर है। हम भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जीवों पे रक्षा करो, अपनी रक्षा तो स्वयं सब लोग करते हैं, पर हमें अपना, अपनी जीवों पे रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और महावीर स्वामी का ये चंड कौशिक जो उपसर्ग हुए हैं, महावीर स्वामी ने सहे हैं, उसका चित्रण हमारी सुषमा गिड़िया ने किया है। इसका बहुत सुंदर इन्होंने यहाँ पे रंगोली से, इस रंगोली के माध्यम से चित्रित किया भगवान महावीर स्वामी को। ये जो देख रहे हैं, ये समभाव का, जी जी, ये यहाँ पे समभाव के ऊपर में
चित्रित किया गया है रंगोली से कि मनुष्य को कैसे अपने समभाव में रहना चाहिए। और यहाँ पे अपने वस्त्र दान, सुपात्र दान का एक चित्रण किया जा रहा है कि दान देना सबसे बड़ी मतलब पुण्याई का काम होता है। और दान के कई रूप हैं, जिसमें एक रूप है कि सुपात्र दान, उसका यहाँ पर चित्रित किया गया है। हमारे भाव जो होते हैं चार गति में हम जाते हैं, हम चार गति में जाते हैं, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, और मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और देव गति, मनुष्य गति, देव गति और नरक गति, ये चारों हमारी गति है। उसको चारों से दर्शाया गया है, चारों गतियों को इसमें दर्शाया गया है। तो बहुत अच्छी बात है कि ये दादा बाड़ी के प्रांगण में ये 22 अक्टूबर कल से शुरू होने वाली है, ये इसके साथ में ये जो है 27 तारीख तक सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम के 10 बजे से लेकर 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का यहाँ पर जो है ये सभी के लिए, सभी समाज के लिए ये खुली रहेगी। ये सभी समाज के लिए है। और ये सबसे बड़ी बात है कि रंगोली के साथ साथ और बहनों ने हमारी आर्ट दिखाया है कि देखिए आप खाली रंगोली नहीं, आज अभी ये देखिए अभी महावीर स्वामी को इन्होंने मंडाला आर्ट दिया है। ऐसे तो हम रंगोली बनाते हैं पर इन्होंने कितने अच्छे से इसको इसका मतलब उसको बनाया है, अपनी कला को प्रदर्शन यहाँ किया है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ में पूजा जी भी है, क्या कहेंगी पूजा जी, ये रंगोली चल रहा है देख रहे हैं हम लोग। जी ललित प्रभ जी जब रायपुर चातुर्मास के लिए आए थे तो उनके प्रवेश पे सुषमा गिड़िया ने उनका हूबहू चारित्र चित्रण उतारा था और वो उन्हें इतना पसंद आया, उन्होंने कहा था कि यहाँ की महिलाओं में कला है और मैं इस कला को उभारना चाहता हूँ। तो जुलाई से उनके मन में था कि कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हम तैयार करें जिससे यहाँ की महिलाओं को कला में निखार हम लोगों के बीच ला सकें। तो फिर दिवाली का और भगवान निर्वाण का अवसर ऐसा था कि हमें अवसर मिल गया और हमने यहाँ की समस्त महिलाओं के द्वारा ये जैन चरित्र चित्रण करवाया है, जिसमें हमारी जैन धर्म के जितने भी प्रिंसिपल हैं वो सभी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं अहिंसा परमो धर्म, ये हमारा जैनिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है, तो उसका चरित्र चित्रण किया गया है और अभी यहाँ पर उसकी होर्डिंग्स भी लगेगी जिसमें उसका पूरा डिटेलिंग्स रहेगा। तो जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको जैनिज्म के बारे में बारीक से बारीक जानकारी इन रंगोली चित्रण की। ये सब बच्चों जो खड़े हैं इनके सामने में, इन लोगों ने बनाया, शोभा जी हमारे साथ में, क्या कहेंगे शोभा जी, सिसी मार जी। भगवान महावीर के चरणों में शश्वत वंदन, दादा गुरुदेव के चरणों में शश्वत वंदन। सबसे पहले तो मैं जितने यहाँ आर्टिस्ट हैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना व्यस्त समय, जो दिवाली का समय होता है और सिंगल फैमिली में रहने के बाद भी इन्होंने इतना समय दिया और अपना काम इतने अच्छे से किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। ये देख रहे हैं चावल के साथ में गहुली है, तो चावल है और दाल है, सारे अनाज के साथ में ये बनाए, मल्टी ग्रेन से यह रंगोली बनाई गई है, बच्चों ने बनाया है। क्या नाम है इनका? पूजा जी। और क्या क्या नाम है आप लोग का? अच्छा, कितने दिन लगे? 7 दिन से कर रहे हो ये काम आप लोग? ये 3 दिन में हमने आउटलाइन की सर, 3 दिन में आउटलाइन की पूरी और उसके बाद 1.5 दिन इसको पूरे भरने में लगे पूरे। और इसमें हमने भगवान महावीर स्वामी का केवल कल्याणक दर्शाया है। भगवान महावीर स्वामी को वैशाख शुद्ध दशमी के दिन साल वृक्ष के नीचे ऋजुबालिका नदी के किनारे, ऋजुबालिका नदी के किनारे गोविंद जी का आसन में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो हमने उनको एक सजीव चित्रण देने की, अनाज के माध्यम से सजीव चित्रण देने की कोशिश की। निश्चित रूप से भगवान को केवल ज्ञान का प्राप्त हुआ, मनुष्य को भी, हम सबको भी केवल ज्ञान का प्राप्त हो, इसी तरीके की कार्य हम सब लोग को करना चाहिए, नेक काम करें, अच्छा काम करें। ये भी हमारे सामने में देख रहे हैं कि बहुत अच्छी आप लोग ही ने बनाई है ये भी, ये तीनों बच्चे ये है कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो है गौतम स्वामी तो गौतम स्वामी जी के सामने इसमें मोती है और बहुत सारी चीजें, वो अनाज से थी और इसमें अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी द्वादशांगी की रचना की थी इन्होंने, और ये हमारे परम गुरुदेव आचार्य द्वादशांगी की रचना करने वाले गौतम स्वामी, और भगवान इनका निर्माण दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुद्ध एकम को हुआ था। निश्चित रूप से ये जो है
मैं बता रहा था कि 22 तारीख से लेकर 27 तारीख तक ये चलने वाली है। और बहुत ही अच्छा है कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि समोसरण की भी स्थापना हुई है, भगवान के 24 जो है ये देख रहे हैं, ये समोसरण देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा। क्या कहेंगे कुसुम जी? ये आपका देखिए भैया, ये निगोस से निवारण तक हमारी ये दोनों बहनों ने जी जी कम से कम इनको 5 दिन लग गए इसको बनाने में। और कैसे जो मनुष्य है निगोस से निर्वाण की तरफ जा सकता है, उसको पूरा इन्होंने दर्शाया है। क्या है नाम है आपका? राशि कानोगा। क्या कहोगे राशि? निगोस से निर्वाण तक का ये रंगोली आपको ये बता रहा है कि हम संसार में कितना भ्रमण कर रहे हैं और बहुत मुश्किलों से हमें मनुष्य से जन्म मिला है जिसे सार्थक करके, मतलब हम लोग गोल्ड भी बनते हैं। हाँ, गोल्ड भी बनते हैं, गोल्ड तिर्यंच जीव है, अजीव से जीव, तो अजीव भी बनता है इंसान। आत्मा होती है तो आत्मा कहाँ जाती है? आत्मा गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, अजीव भी बनती है, तिर्यंच भी बनती है, नरक गति में भी जाती है और देव गति में भी जाती है, पर सिर्फ निर्वाण मनुष्य गति से ही मिलता है। निश्चित रूप से निर्वाण की जो प्रक्रिया है, ज्ञान की जो है, केवल ज्ञान जब प्राप्त होगा मनुष्य से तो उसी से मोक्ष मिलेगा। ये कहते हैं कि मनुष्य जो योनि है बहुत 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद में ही मनुष्य योनि का प्राप्त होती है, यहीं से मोक्ष का रास्ता। जितने भी भगवान हुए, देव हुए हमारे साथ में, तो ये हम लोग देख रहे हैं कि एक और बहुत अच्छी रंगोली यहाँ पर बनाई हुई है। क्या रंगोली बनाई हुई है? क्षमा के ऊपर है जी। हाँ, जैसे क्षमा के ऊपर हमारे अजय सर है, जिसको आज रायपुर में कौन नहीं जानता, इन्होंने यहाँ पर आकर परम गुरु देव के आदेश से इन्होंने रंगोली बनाई है इसके। क्या कहेंगे अजय जी? बस ये उनकी सेवा करने का और ये ईश्वर की कृपा से मैं यही हमेशा सेवा का मौका मुझे मिले, और रंगोली के माध्यम से जी और जीने दो के संदेश के नाम से भगवान महावीर के रूप में मैं जो रंगोली बनाया हूँ, तो मैं चाहूँगा सभी लोग और भी दर्शक देखने आए यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है कि एक ललित प्रभ जी का जी भी है, और जो राष्ट्र संत हमारे पिछले चौमासा हम लोग सब यहाँ पे देख रहे थे, एक उनकी आकृति और शांतिप्रिय डॉक्टर शांतिप्रिय भी जीवन जीने की जो कला सिखा रहे हैं उनका भी यहाँ पर ये चित्रण हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। कि इसको भी किसने बनाया कुसुम जी? इसको ये अभी बना नहीं है जी, सबका अभी बन रहा है। बना कौन रहा है? हाँ, इसको सभी लोग बना रहे, सभी मिलके बना रहे हैं, अभी लास्ट में बनाएंगे इनको हमारा सबके पूरे अच्छे से फेस, थोड़ा सा एक्सप्रेशन अच्छा है इसलिए। और कुछ कहना चाहती हैं कुसुम जी? हम बस मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, अपने सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बोल रही हूँ कि आप लोग समय निकाल कर हमारी बहनों की कला को देखने के लिए एक बार जरूर आए। जय जिनेन्द्र। मैं तपेश जैन जी।